एवरीवन, सीआरपीसी के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, सीआरपीसी के अंदर इनका जो डेफिनेशन दिया गया है और इनमें मेन क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस सेकेंड वीडियो में हम लोगों कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन का डिटेल प्रोविजन 155 और 156 सेक्शन में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 155 की बात करते हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो हर एक पुलिस स्टेशन में इसके रिगार्डिंग एक बुक प्रिस्क्राइब की गई है, तो वहां पे वो उस इंफॉर्मेशन का जो सब्सटेंस होता है उसकी एंट्री करता है जिसको हम एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। तो 155 के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पुलिस स्टेशन में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो, फिर उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो वही होना चाहिए जिनके पास में ज्यूरिडिक्शन है, जिसको आप एरिया मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ये प्रोविजन जो है वो सेक्शन 155 के क्लॉज 1 में दिया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड क्लॉज पे। यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। यहाँ पे एक्सप्रेसली कोई पावर मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है कि वो ऐसे ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगी, लेकिन इन वर्ड्स से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट इम्पावर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के लिए पुलिस ऑफिसर को। अब क्या है कि यहाँ पे ये भी चीज पूरे सीआरपीसी में कहीं पे नहीं दी गई है कि कैसे और किन सर्कमस्टेंसेस में मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, लेकिन सर्टेनली वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए और मजिस्ट्रेट जो है वो केस के नेचर को और किन सर्कमस्टेंसेस में वो ऑफेंस हुआ है उसको देखते हुए अगर उसको लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि इस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये 155 क्लॉज 2 है। अब बात करते हैं कि जो मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड नहीं है, अगर गुड फेथ में उसने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज नॉट बीइंग सो इम्पावर्ड। सिर्फ इस ग्राउंड पे हम उसको सेट असाइड नहीं कर सकते हैं कि वो इम्पावर्ड नहीं था। इसका प्रोविजन आपको 460 सेक्शन 460 क्लॉज बी में देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए 155(2) जो है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब कि अगर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अगर इन्वेस्टिगेशन कर दी तो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे एक केस है, केशव लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करती है तो यहाँ पे हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के अंदर अप्लाई किया जा सकता है और उस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश करवाया जा सकता है एंड मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। तो 155 क्लॉज 2 का जो प्रोविजन है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 155 क्लॉज 3 पे। अब क्या होगा कि अगर मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देती है, उसको अगर लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और उसने पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, अब आफ्टर रिसीविंग सच ऑर्डर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आप ये जो पीओ लिखा है ये कभी भी मेंस एग्जाम में शॉर्टकट में मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके पास में इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग वो सारे पावर होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करते समय एक पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास में होते हैं, एक्सेप्ट वो पावर कि विदाउट वारंट आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जो कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकते हैं।
तो बस इस पावर को अगर छोड़ दिया जाए तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिलने के बाद में पुलिस ऑफिसर के पास में वो सारे के सारे पावर होते हैं जो एक कॉग्निजेबल केस में भी पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं। ये आपका 155 क्लॉज 3 में दिया गया है। तो ये 155 का पूरा प्रोविजन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं 156 की, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कैसे इनिशिएट होती है, तो अंडर सेक्शन 154 पुलिस ऑफिसर को जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, जिसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, मतलब कि एफआईआर जब फाइल होती है तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर एफआईआर होना जरूरी नहीं है, अगर किसी मटेरियल सोर्स से भी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे ये डिस्क्लोज हो रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो विदाउट फाइलिंग एफआईआर भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 154 का जो डिटेल प्रोविजन है एफआईआर से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल 156 पे आ जाते हैं। तो 156 का क्लॉज 1 आप देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये एक वाइड पावर है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस ऑफिसर को दिया है गया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि जो भी एफआईआर फाइल हुई है या जिस भी मटेरियल सोर्स से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये जरूर डिस्क्लोज होना चाहिए प्राइमा फेसाई की कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तभी वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो यहाँ पे भी 482 का यूज करके हाई कोर्ट से उस इन्वेस्टिगेशन को क्वेस्ट करवाया जा सकता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये डिस्क्लोज हो कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ऐसा प्राइमा फेसाई लग रहा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है वहां पे। अब आप जब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, लेटर पार्ट पढ़ते हैं 156(1) का, तो इट डिटरमाइंस द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन होना जो है वो जरूरी है। हालांकि कई बार क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन भी जा करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये इसका भी प्रोविजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप सेक्शन 157 देखते हैं। तो पुलिस ऑफिसर क्या है, अपने पुलिस स्टेशन के लोकल लिमिट के बियॉन्ड भी जा सकती है। इसीलिए 156 क्लॉज 2 में ये लिखा गया है कि एन इररेगुलरिटी इन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट विशिएट प्रोसीडिंग और ट्रायल, इसीलिए ये प्रोविजन 156 क्लॉज 2 में दे दिया गया है। तो 156 क्लॉज 1 में पुलिस ऑफिसर को एक वाइड पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब हम इसके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे, जो कि है 156 का क्लॉज 3। सबसे इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 190 आप पढ़ते हैं तो वहां पे मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेने का पावर दिया गया है, आप देखते हैं वहां पे। 156(3) क्या है कि जो मजिस्ट्रेट 190 के अंदर इम्पावर्ड हैं, वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अब ये क्या है, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 190 में कौन कौन से मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड हैं। वो है आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, स्पेशली इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये 190 में दिया गया है, जिनके पास में कॉग्निजेंस लेने के लिए उनको इम्पावर किया गया है 190 के अंदर। तो 190 के अंदर जो मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड है वो 156(3) में जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अब ये जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं इन्वेस्टिगेशन का, ये सिर्फ प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे होना चाहिए। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कि 154 के अंदर पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो मजिस्ट्रेट को 156 क्लॉज 3 के अंदर एप्लीकेशन बनाया गया। अब उस एप्लीकेशन से ऐसा लग रहा है, जो भी प्राइमा फेसाई एविडेंसेस अवेलेबल हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है,
तो वो कॉग्निजेंस लेने की जगह यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देती है, इसीलिए इसको प्री कॉग्निजेंस स्टेज कहा जाता है। मतलब कि अगर कॉग्निजेंस अगर यहाँ पे ले लिया गया तो 156(3) अप्लाई नहीं होगा। ये हमेशा कॉग्निजेंस लेने से पहले का स्टेज है जहां पे मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये 156(3) का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी ध्यान से समझना चाहिए, इसीलिए इसको प्री कॉग्निजेंस स्टेज कहते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट फाइल किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस पे कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर। तो ये बहुत चीज ध्यान में रखने वाली चीज है आपके। तो ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज है 156(3), इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब देखिए आप सेक्शन 202 देखते हैं तो वो पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है 156(3) और 202 में, ये हम तब देखेंगे जब हम सेक्शन 200 को पूरा पढ़ेंगे 202 तक। तो वो चीज जब क्लियर हो जाएगी तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना भी ज्यादा आसान रहेगा। तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज और पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर जो होता है, इन दोनों सेक्शन के अंदर मेजर क्या डिफरेंस है, इसको हम उस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।